नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर से लगातार हमारा वीडियोस आ रहा है। लगभग 3 साल हो गया हम गोल्ड सिल्वर के बुलियन के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, हॉलमार्क के बारे में, GST, टैक्सेशन सब के बारे में ही चर्चा करते हैं। और इसके बारे में बहुत सारा हमारा क्लाइंट बेस भी है और काम भी होता है। तो अगर आपको भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हमारे पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पिछली बार हमने देखा कोविड के समय में सबसे ज़्यादा जो डिमांड था या इन्वेस्टमेंट का जो जरिया था, जिसमें एंजल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे बहुत सारे लोग, कंपनियाँ भी जो पैसा लगाती हैं, वो अपना पैसा सारा देखिए गोल्ड में लगा रही थी, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भरोसा इसी पे किया जा रहा था। तो उस समय गोल्ड का प्राइस भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। आपने देखा 50 लाख पार, 54-55 लाख रुपीज़ KG ऐसे चला गया था। तो अभी देखिए फिर से वो सिचुएशन हो सके हमारे सामने एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो चलन है 2022 में, इससे क्या हो रहा है, मार्केट में जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी महंगाई दर इतना बढ़ रहा है और लोगों का थोड़ा मॉनेटरी टर्म्स में समझिए तो दूसरे प्रोडक्ट के प्रति जो है वो भरोसा भी कम रहता है, खासकर ऐसी जब सिचुएशन आती है और ऐसा जब क्राइसिस आता है। तो गोल्ड का जो बिजनेस है वो फिर से सपोर्ट में होगा, ये लगभग समझिए। तो अगर जितना महामारी ये बढ़ेगा, गोल्ड के प्राइस को और भी सपोर्ट मिलेगा और गोल्ड का जो बिजनेस है और भी अच्छा होगा, यानी समझिए गोल्ड और भी महंगा होगा। कारण क्या है, पेंडेमिक के समय में लोग जो दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं एनर्जी से रिलेटेड, मान लीजिए कोई कहीं पेट्रोलियम में सेविंग कर रहा है, कोई मान लीजिए दूसरा ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस समय ट्रेडर क्या होते हैं, इन चीज़ों पे श्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन मान लीजिए उनके हाथ में नहीं होता है, इंटरप्शन होना ही होना है, एनर्जी का इंटरप्शन होना है, ट्रांसपोर्टेशन का इंटरप्शन होना है, सामान जाने में इधर उधर इंटरप्शन होना है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो गोल्ड में ही वो फिर से घूम के आते हैं, ताकि उनका पैसा सेव रहे, बचा रहे। बढ़ने कमने की तो बात अलग है, लॉस ना हो, उनका अमाउंट जो है वो सेव रहे। इस वजह से फिर से एक ये सिचुएशन बन रहा है मार्केट में। एज ए एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2022 में ये ओमिक्रॉन का संकट बढ़ता है, या फिर से कोई लॉकडाउन या फिर से कोई ऐसी परिस्थिति आती है, पूरी तरीके से तो नहीं होना है, जैसे लास्ट बार बहुत अच्छा कंट्रोल था कंटेनमेंट जोन और ये सब बना के, तो इस बार भी हो सके कंट्रोल किया जाए, मगर गवर्नमेंट इसको अपने जगह को कंट्रोल कर सकती है, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा इवेंट होता है जिसके थ्रू मार्केट कंट्रोल होता है। तो मार्केट को कंट्रोल करना पूरी तरीके से किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसमें इंस्टीट्यूट और फिर से मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर या दूसरे इन्वेस्टर अगर फिर से गोल्ड की तरफ रुख करते हैं, तो इसके दाम में बढ़ोतरी होनी होनी है। जैसे अभी प्रेजेंट में मान लीजिए 46-47 चल रहा है, तो ये 50 तक भी फिर से जा सकता है 2022 में। ये हमारा एक अनुमान है जो हमने आपको शेयर किया बताया। अगर आप भी गोल्ड और बुलियन से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड आदमी हैं तो आपको अपना एनालिसिस कर सकते हैं जो मैंने बताया। हो सके ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप अपना ओपिनियन देख लीजिए। और अगर इस समय अगर आप खरीद के रखते हैं तो अगर 2022 में अच्छा मार्केट आया तो आप बेच के अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं एज ए ट्रेडर। बाकी आपके ऊपर है, आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका बिजनेस है, आप किस तरीके से कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आपका पर्सनल मैटर। हमने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे एक बिजनेस मॉडल बता दिया कि अगर अभी कोई परचेस करके रखता है तो 2022 में अगर ये ओमिक्रॉन का पेंडेमिक सिचुएशन बढ़ेगा तो गोल्ड में उछाल आएगा, और उस कोई भी व्यापारी चाहे तो उस समय अभी खरीद के रखे तो ज़्यादा दाम पे बेच के अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।